हाँ यार, तो क्या हाल चाल है तुम लोग के? टाइम बज रहा है अभी, ठीक है भाई, 12 बज गया। हम बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं, मतलब अंधा लेट हैं। तो हुआ है कि कल रात को मैं 2:30 बजे के बाद ख़त्म किया और 3 बजे तक वीडियो किया था, डाल के अपलोड करके चला गया था मैं। और मेरे को 4 बजे तक बेड पे नींद ही नहीं आई। मैं लेटा रहा लेटा रहा, अब नींद आएगी फिर पता नहीं कब सोया भाई। तो नींद खुली मेरी 11 बजे, और कुछ काम चलते कारण मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पढ़ने चाह रहा था आज भी, कुल मिला के 7-8 घंटे का तो दे ही देंगे यार, मतलब रात को पढ़ लूँगा मैं तो। इट्स ओके मैम। और एक कमेंट आया था कि योर व्यूज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आवर्स ऑफ स्टडी। भाई मैं 6 घंटे की पढ़ाई का व्यू डालूंगा, उस पर 1,000 व्यूज आ जाए अभी तक, और 9 घंटे वालों में पता नहीं कहाँ पीछे है भाई। ये भी ठीक है, चलो हमें क्या। तो आज मैं क्या पढ़ना है, मैं पढ़ना है हिस्ट्री। और हिस्ट्री तो नो वर्ड्स फॉर दिस सब्जेक्ट, तो कंप्लीट करते हैं। आज 2 चैप्टर मेरे को करना है। एक तो, एक का क्या नाम है भाई, मॉडर्न वर्ल्ड करके है कुछ, और एक ये वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो यही पढ़ना है अभी। चलो यार, तो हम आ गए खेल के, और अभी टाइम हो गया है 6:50। अब देखो, मैंने सुबह में ही क्या किया, मैंने हिस्ट्री पढ़ा 2 चैप्टर, ठीक है, दो चैप्टर नहीं, मैंने क्या पढ़ा, मैं नेशनलिज्म इन इंडिया किया, फिर मैंने पांचवा तीस चौथा पांचवा रिवाइज किया पूरा। और उसका मैं ये बनाया, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें पढ़ दूंगा, जैसे ये प्रिंट कल्चर का है, तो अभी जितने टॉपिक हैं तुम टॉपिक लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका, ठीक है। तो उसमें पहला है फर्स्ट प्रिंटेड बुक, तो इसमें तुम्हें पता है कि चाइना की पहली बुक कौन सी, तुम्हें पता है अकॉर्डियन बुक है, तो तुम पहले फर्स्ट प्रिंटेड बुक लिखो, फिर चाइना में अकॉर्डियन बुक कॉमा में ब्रैकेट में लिख दो, ताकि तुम एक टॉपिक का ब्रॉड, मतलब तुम्हें ये रीड करके आना चाहिए कि टॉपिक में है क्या, देखो ठीक है। ये तुम बना सकते हो, यही मैंने बनाया चौथे पाँचवें चैप्टर का। तो मैं हिस्ट्री ख़त्म समझ रहा हूँ अपना, वो तीसरा चैप्टर है, वो अभी मैं नोट्स लेके आऊँगा अपने दोस्त का, तो फिर मैं वो ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्या प्लान है, अब देखो, हमारे टेस्ट है 27 से, यानी कि मेरे पास लगभग 25-24, मेरे पास 8 दिन के आसपास है जब मैं अपने और कुछ भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि 24-25 के बाद से मुझे इंग्लिश को खास कर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम लोग को भी प्रिफर करूँगा जो वीडियो देख रहा है, कि 24 के पहले अपने सारे कुछ सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, ताकि उसके बाद टाइम टिकट तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं, और तुम देख चुके हो सिलेबस, तो मैं प्रिफर करूँगा इसी टाइम में टाइम निकाल निकाल के हर दिन एक एक सैम्पल पेपर लगा लो, क्योंकि अब के तो कब लगाओगे, मैथ्स के एक दिन पेपर पेपर के पहले नहीं, ठीक है, तो तुम्हें अभी लगाना है। तो मेरा क्या प्लान है अभी, तो अभी 6:50 हुआ है, मैं 10 बजे तक अभी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रात को आऊँगा। तो अभी तो मेरा तीन, मेरे को तीन टारगेट है आज, देखो तीन टारगेट। पहली मेरे को करना है कि मेरे को सपना ये सिविक्स रिवाइज करना है, सॉरी सिविक्स कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है। और फिर मेरे को एक मैथ्स का सैम्पल पेपर लगाना है। सैम्पल पेपर कहाँ से लगाऊंगा मैं लगा रहा सैम्पल पेपर आशीष सर का, वो करवाए हैं, तो उन्हीं का वीडियो में लगाऊंगा, 2.5 घंटे का ही है, वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, मतलब मैं जल्दी जल्दी कर करके तेज से ख़त्म करूँगा। फिर मैं रात को आऊँगा, तो रात को मेरा प्लान रहेगा हिंदी ग्रामर पढ़ने का। अब देखो भाई, तुम लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ग्रामर वामर पार्ट अभी ख़त्म कर लो, इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर आसान है, पॉइंट मतलब मार्क्स जाते हैं इसमें अच्छे खासे, क्योंकि MCQ रहेगा भाई, गलत हो जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम सही करोगे, तुम घर पे खुशी से आओगे और रिजल्ट वाले देखो कि 60 मार्क्स आया है, पता नहीं कहाँ कट गया है, 15 नंबर मतलब 8-9 नंबर कहाँ कट जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो मैं तुम्हें प्रीफर करूँगा कि हिंदी ग्रामर को और इंग्लिश ग्रामर को अभी ख़त्म कर दो, ठीक है। तो तुम भूल गए तो मैं रिवाइज में तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि ये भी पढ़ना होता है, आता है सिलेबस में, और हिंदी ग्रामर बहुत बड़ा ब्रॉड इस बार तो कह सकते हैं गए, क्योंकि अच्छे खासे टॉपिक है उसमें, 4 चैप्टर आने, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और अब हम चलते हैं पढ़ने। और हाँ, एक बंदे ने कमेंट किया था भाई अपना बाल दिखाओ, तो मैं बाल तो नहीं दिखाऊंगा भाई, देखो मेरे पास 2 ही हुड्डी है, मैं चेंज कर करके पहनूंगा, मैं बाल नहीं दिखाऊंगा। जिसको मेरा बाल देखना मेरे शुरू का वीडियो देख ले, ठीक है, चलो बाय आओ।
यार तो भाई बैकग्राउंड साउंड में जो बोल रहा है ना इसको इग्नोर करो थोड़ा, ये कुत्तों की चैट चल रही है इंपॉर्टेंट। तो टाइम हो गया 12:21, हाँ 12:21, और मुझे नींद आ रही है भाई, मतलब 11 बजे सो के उठने के बाद भी नींद आ रही है। वैसे अब तक हो गई है मेरे दिन की 7 घंटे की पढ़ाई, बट नींद तो है। तो हाँ कर लो यार। तो मेरा प्लान तो है 2 घंटे का और, बट मेरे आँखों पे नींद तो मैं दिख रही होगी, यहाँ लिख क्या रहा होगा नींद नींद। तो देखते हैं 1 घंटे का और कर पाएंगे तो, मतलब 12:30 से 1:30 या फिर 12:30 से 2 बजे नींद तो आ रही है। और मुझे हिंदी पढ़ना है तो मैंने उस टाइम पे ये 7 से 10 वाले टाइम पे मैंने सैम्पल पेपर किया और कॉन्फिडेंस आया यार। सैम्पल पेपर तो बहुत हार्ड नहीं था, तो मतलब करने से कॉन्फिडेंस आ रहा था, मतलब और मैं पढ़ा है पूरा। मैं ये तो मेरे ख्याल से NCERT बेस ही था यार, बहुत कुछ हार्ड नहीं था। तो एक और सैम्पल पेपर लगाऊंगा, मेरा सैम्पल पेपर का कहानी ख़त्म। आज मैं हिंदी पढ़ूंगा अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ूंगा, मैं वीडियो एडिट कर दूंगा इसके बाद। तो यही था मेरा, मैं हिंदी पढ़ के जल्दी से तो मेरा हिंदी ग्रामर हो जाएगा, फिर कल का प्लान कल देखेंगे, वो मैंने अब तक सोचा नहीं है तो मैं बता देता, बट यही है। ठीक है अब पढ़ते हैं, चलो तुम भी पढ़ाई करो अब शुरू।